हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग घर पे सेफ हैं। स्पीच थेरेपी में अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में लॉकडाउन होने के कारण ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में एक नया घरेलू हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट लूँगी और उस ऑब्जेक्ट को लेकर हम कैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको गाइड करूँगी। नमस्ते, मैं कियोमी कोठारी, मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्ट है बैंगल, चूड़ी। हम चूड़ी को लेकर बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स, सोशल स्किल्स, कॉग्निशन एंड मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। सो लेडीज, बैंगल्स निकालिए और ये फॉलोइंग एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। हम बैंगल से वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, जैसे रोल, स्टॉप, पहनो, टाइट, राइट, लेफ्ट, पुल। वाओ, ब्यूटिफुल। हम एक लैंग्वेज स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, रिपीटेशंस। हम जितने वर्ड्स रिपीट करते हैं बच्चा उतनी जल्दी सीखता है। तो हम रोल वर्ड को लेकर रिपीट कर सकते हैं, जैसे रोल 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 एंड डाउन। हम थ्री नए कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, जैसे कलर, नंबर एंड साइज। हम बैंगल से कलर कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, जैसे रेड बैंगल, पिंक बैंगल, गोल्डन बैंगल। और फिर हम कर सकते हैं सॉर्टिंग, तो बहुत सारे मिक्स कर सकते हैं बैंगल्स को और सॉर्ट कर सकते हैं, रेड बैंगल सॉर्ट करो, ग्रीन बैंगल सॉर्ट करो, पिंक बैंगल सॉर्ट करो। प्लस हम एक स्ट्रिंग ले सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग में सिर्फ रेड बैंगल्स डालेंगे, तो सिर्फ रेड बैंगल्स अंदर डल रही है। इसमें वोकैबुलरी भी करवा सकते हैं, अंदर, इन, डालो, होल्ड, स्लो, फास्ट, यह सब हम वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। यह आपको ऐसे पिक्चर दिख रहे होंगे, आप रंगोली लेकर एक पैटर्न बना सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कलर कॉन्सेप्ट सिखाते हुए कि बैंगल्स के अंदर रंगोली भरे। ये एक फन एक्टिविटी हो सकता है। हम एक बहुत अच्छा मेमोरी गेम खेल सकते हैं। हम एक तीन पैटर्न का बना सकते हैं और बच्चे को बहुत सारी चूड़ी में से ये तीन कलर के पैटर्न्स निकालने पड़ेंगे और सेम पैटर्न, सेम सीक्वेंस पैटर्न में ये बच्चे को बनाना है। और आप फिर उसको छुपा सकते हैं और फिर बच्चे को बोल सकते हैं कि आपकी टर्न है और आप सेम पैटर्न बनाइए। तो बच्चे को याद रख के सेम पैटर्न्स बनाना है। अगर बच्चे ने सेम पैटर्न बनाया तो आप बोल सकते हैं गुड जॉब। हम नंबर कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। हम सिखा सकते हैं 1 and many, तो एक चूड़ी बहुत सारी। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, प्लोरल, तो एक चूड़ी चूड़िया। हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं कि रेड चूड़ी पहनो और पिंक चूड़िया रख कर आओ। तो प्लोरल्स भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम सिखा सकते हैं। हम क्वेश्चन सिखा सकते हैं, कितना, तो दादी ने कितनी चूड़ी पहनी है, बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 3, आपको कितनी चूड़ी चाहिए, बच्चा में भी आंसर दे सकता है 2 चूड़ी। तो क्वेश्चन कितना हम यूज कर सकते हैं। हम साइज कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, जैसे पतला, मोटा। हम एक और चूड़ी ऐड कर सकते हैं और बोल सकते हैं इससे मोटा, इससे पतला, सबसे मोटा, सबसे पतला। जैसे इंग्लिश में होता है थिन, थिनर, थिनेस्ट, वैसे ही कि ये इससे मोटी है लेकिन ये इससे पतली है। हम क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, किसका, बच्चे को आंसर करना है, तो ये किसकी चूड़ी, बच्चा बोलेगा मम्मी की, ये किसकी चूड़ी है, दादी की, और ये किसकी चूड़ी है। फिर हम प्रोनाउन सिखा सकते हैं, मेरी, आपकी, उनकी। हम चूड़ी को लेकर प्रेपोजिशंस भी सिखा सकते हैं, जैसे चूड़ी ऊपर, पीछे, नीचे। हम क्वेश्चन, वेयर क्वेश्चन भी सिखा सकते हैं, जैसे चूड़ी कहाँ है, तो ऊपर है, अभी चूड़ी कहाँ है, नीचे है। अगर बच्चा बड़ा है तो हम उसकी अटरेंसेस बढ़ा सकते हैं, जैसे चूड़ी कहाँ है, तो सर के ऊपर, अब चूड़ी कहाँ है, चेयर के नीचे। अगर
बच्चा और बड़ा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछो. तो अब मेरी टर्न है, तो फिर अगर मैंने चूड़ी छुपाई तो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि चूड़ी कहाँ है. और हम चूड़ियों के साथ बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं. अगर हमारे पास रुई है, हम चूड़ी ले सकते हैं और बोल सकते हैं बच्चों को कि अंदर एम करना है, तो इन स्कोर अंदर गया. प्लस हम एक बॉटल भी ले सकते हैं, कोई भी घर पे बॉटल होगी और बच्चे को डालना है तो रिंग, इसको हम रिंग बना सकते हैं और बच्चे को बॉटल के अंदर डालना है तो अंदर गया. फिर पापा की टर्न, टर्न टेकिंग भी कर सकते हैं. इन स्कोर, यस यू गॉट इट. अगर नहीं गया बच्चे से तो हम बोल सकते हैं नहीं गया, फिर से ट्राई करो. तो हम ये वोकैबुलरी भी पढ़ा रहे हैं. हम बैंगल से बच्चों को डांस करवा सकते हैं. हम बच्चों को बोल सकते हैं कि बैंगल्स पहने और फिर डांस करें, जैसे रोली पोली एंड हैंड्स अप एंड बैंग बैंग. हम डायरेक्शंस भी फॉलो करवा सकते हैं बच्चों से, जैसे कि रेड चूड़ी पहनो और पिंक चूड़ी सर के ऊपर रखो और मे बी ये सारी चूड़ियाँ कबर्ड में रख के आओ और मुझे पानी दो. तो हम डिफरेंट कमांड्स देकर बच्चों को, अकॉर्डिंग टू बच्चों की एज देखकर हम बच्चों को कमांड दे सकते हैं. हम चूड़ी को लेकर ड्राइंग भी करवा सकते हैं बच्चों से. चूड़ी का शेप होता है सर्कल, हम सर्कल से बहुत सारी ड्राइंग्स बनवा सकते हैं. बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंज, एप्पल, वाटरमेलन, फ्रूट्स बनवा सकते हैं और ये सब आपको दिखेंगे ड्राइंग्स. एनिमल्स बनवा सकते हैं, ये सब ड्राइंग आप बनवा सकते हैं. प्लस हम सर्कल को लेकर स्माइली बना सकते हैं और फिर हम बच्चों को बॉडी पार्ट सिखा सकते हैं लाइक आईज, नोज, लिप्स. तो ये सारी ड्राइंग्स है जो आप बच्चों से बनवा सकते हैं और इट विल बी अ फन एक्टिविटी. स्पीच थेरेपी इज ऑल अबाउट फन. ये सारी एक्टिविटीज आप एज अ फन एक्टिविटीज करिएगा. कुछ भी आपको डाउट है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय.